Mamata Balachandra, my colleague Arun Rangaswamy and I are currently at Tikri border. We've happened to meet a couple of people who were there when the police lathi charged them and all the Kisan unions came towards Delhi at the borders, and there was conflict between the police and the farmers. We're going to find out what happened that day and how they're continuing to be motivated to keep going. क्या हुआ जब आप आए? जब 27 तारीख को हम वहाँ पहुँचे, हम ट्राली लगा रहे थे, सारा कार इकट्ठा होकर बॉर्डर पर गए। वहाँ हमने कोशिश की कि हम दिल्ली जाएंगे, तो पुलिस हमको रोक रहा था, तो हम उसको बैरिकेड उखाड़ दिया, फिर उसके आगे और मशीन लगा दिया, जेसीबी लगा दिया, क्रेन लगा दिया, और उसको भी हम रोक रहा था। उसके चलते चलते उसने हमारे पर आंसू गैस का गोला छोड़ा और फायर भी किया। हम उसमें हमारा बचत हो गया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपका चोट नहीं लगी? चोट नहीं लगा हमको, लेकिन धुआं ना बहुत चढ़ा तो हम संभल गए उसको। उसके बाद तुरंत आपके घर वाले जो घर में है, गांव में है, वो क्या बोले? हमारे घर वाले कोई नहीं बोलते, बोलते हैं बस लड़ाई करो, जीत के आना है, जीत करना भैया, तुम जीत कर आना है, वापस नहीं आना उतना चेर। किसान यूनियन जिंदाबाद। हम ना हम भागने वाले नहीं है, कहीं भी कोई संघर्ष चलता है, पंजाबी है, सिख है, हम आगे होकर लड़ते हैं, भागने वाले नहीं है। हमारे पर गोली चलाए, गाड़ी चढ़ाए, कोप ले, टैंक ले, कुछ भी ले, हम भागने वाले नहीं है, हम डटे रहेंगे, जंग जीत कर जाएंगे, जंग जीत कर जाएंगे। आपका जमीन अवश्य होगा, हमारा जीत अवश्य होगा। आपका जमीन कितना बड़ा है? जमीन आपके पास 2 एकड़ है। क्या 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 ग्रो करते हैं जमीन में? क्या है जमीन में? कणक बीजते हैं, चावल बीजते हैं, और हम रेता पर लेकर भी जमीन करते हैं, 14-15 एकड़ का हम खेती करते हैं। अच्छा, तो फिर अभी कितने दिन के लिए आप यहाँ पे रह सकते हो? राशन कितना है, आप रह सकते हो अगर 3-4-5-6 महीने लगे? अभी ट्राली में देख लो कितना राशन है, 6 महीने का तो है, बाकी और आ रहा है पीछे से। हम तो साल भी बैठे रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पीछे काम चलता है। जो पीछे लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो बोलते हैं आप बैठे रहे, हम आपका सारा काम करेंगे। हमारा पीछे काम गाँव वाले कर रहे हैं सारा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद अभी 15 दिन हो गए, कैसे आप मोटिवेटेड रहते हैं? कैसे आपको ऐसे लगता है कि आगे करना ही है, हमें ये लड़ना ही है? आपको ऐसे कैसे लगता है? लड़ना ही पड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा खेती खत्म हो जाएगा। ऐसा कानून लाए हैं, सारा हमारा खेती खत्म हो जाएगा, हम खेती पर निर्भर करते हैं। आपका छोटा खेती है, मतलब आप छोटे फार्मर हो, कैसे आपको फर्क पड़ता है ये कानून से? हमारा सारा फर्क पड़ता है एक कानून से, हम खेती के साथ हमारा पछुआ भी चल रहा है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, खेती करते हैं, नाल पशु रखते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, खेती खत्म हो जाएगा तो हमारा तो सारा काम खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे? बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं मिलता है, तो मोदी सरकार आया ये तो बोलता था इतनी नौकरी देगा, इतनी नौकरी देगा, अभी क्या नौकरी दिया है? जो रोजगार पहले चल रहा था उसको बंद कर रहा है, नौकरी क्या देगा आगे, नौकरी क्या देना है? तो जो काम चलता है उसको बंद कर रहा है, महंगाई पर नोटबंदी कर दिया, जीएसटी कर दिया, तो नए नए कानून लाता है, पहले तो प्रधानमंत्री आए हैं ऐसा तो कोई नहीं देखा। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे खेती करते हैं, हाँ। और क्या करेंगे, काम तो मिलता नहीं कोई, खेती कर रहे हैं, खेती करते हैं, पशु रखते हैं, हाँ। तो आपको क्या बोलना है लोगों को जो सोच रहे कि ये सिर्फ फार्मर्स की प्रॉब्लम है, नॉन फार्मर्स हो जो हम सब खाते हैं, तो हमको कैसे फर्क पड़ेगा? हमको जो है ना, बहुत लोगों को ऐसे लग रहा है कि किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, जो रोटी खाता है सभी का आंदोलन है। जो तीसरा कानून बना है ना, संशोधन किया कानून में, जो जमा करता है जमाखोरी का, वो कानून सबके लिए खतरनाक है जो रोटी खाता है। अगर वो कानून लागू होता है तो बड़ा कॉरपोरेट क्राइम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे, तो अपना मर्जी से रखे बेचेंगे। हम किसान तो क्वेश्चन निकाल लेंगे, अपने खेत में बीज लेंगे, लेकिन जो गरीब मजदूर है वो तो पहले खत्म हो जाएगा हमसे भी। आप मुझे एक चीज बताइए, आगे जाके अभी 12 तारीख को एक और आंदोलन होने वाली है, 14 तारीख को एक और है, आगे जाके ऐसे ही अगर रिएक्शन मिली आपको पुलिस की तरफ से, आप तैयार हैं? पुलिस कुछ भी करे, हम पर लाठियां चलाए, गोली चलाए, बम चलाए, टैंक चलाए, हम भागने वाले नहीं है, हम इतने शहीद हो जाएंगे, हम तो पूरा कफन बांध कर आएंगे, इस पर जाएंगे नहीं, जीत कर जाएंगे। आगे भी जो संघर्ष चलते रहेंगे,
ये संघर्ष खत्म हो जाएगा, फिर संघर्ष बंद नहीं होगा। जब तक मनुख का हमारा लुट होता रहेगा तो तब तक हम जंग करते रहेंगे, आखिरी सांस तक हम जंग करते रहेंगे। यही हमारे गुरु ने सिखाया है, जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए खाना पैदा किया, हम जुर्म के खिलाफ मरते दम तक लड़ते रहेंगे। Okay, so he is basically saying that they will continue to fight. Remember, he was at the protest site at the conflict zone when the police lathi charge farmers. He says even if there is a repeat of that, he will continue to fight, as do other farmers.